शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को पीने के लिए साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु भदोही जिले के सूर्या ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बदलीपुर में पिछले एक साल से हैंडपंप का पानी प्रदूषित होने के कारण यहां पढ़ने वाले सनी सहित करीब 114 बच्चों को पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ समस्या है विद्यालय में? ये नल बिगड़ गया है और गंदा पानी रहता है, पीला आता है, जाते हैं दूसरे जगह पानी पीने और वहाँ पे भगाते हैं। कब से बिगड़ा है नल? बहुत दिन हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये नल बन जाए। मैं यहाँ 2007 से नियुक्त हूँ, लगभग उसी समय से नल खराब है। यहाँ कई प्रधान हुए, सबसे कहा गया, मौखिक कहा गया, जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया, लेकिन आज तक कोई इसके लिए संभव प्रयास नहीं किया गया। गर्मी का महीना है, बच्चे जाते हैं बाहर पानी पीने के लिए, बगल में रोड भी है, गाड़ी आ जा रही है, एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप? ये नल बन जाए, बच्चे कंपाउंड के अंदर ही रहें। जो हमारे यहाँ ये हैंडपंप लगा हुआ है, बहुत करीब मुझे 10 महीने हो गया यहाँ पे नियुक्त हुए, और पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने में खारा है और काला कचरा के साथ आ रहा है। बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसे हो रही है सर कि बच्चे हमारे कैंपस से बाहर जा रहे हैं, बगल गांव में पानी पीने के लिए जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं बच्चों को डांटते हैं। क्या समस्या आपकी विद्यालय में? सर यहाँ एक हैंडपंप है, वो भी ख़राब है। एक तो कुछ समय उसको चलाइए 10 से 15 मिनट, उसके बाद वो पानी भी निकलता है तो बदबू देता है, दूषित जल है। अगर बच्चे पिए उसको ग्रहण करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पे भी नुकसान पड़ेगा। इसके लिए आपने बनवाने में कुछ प्रयास किया आपने? हाँ, हमने प्रयास किया। इसके पहले जो इंचार्ज है, प्रधान अध्यापक थे, वो भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस प्राथमिक विद्यालय का हैंडपम्प जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि भदोही जिले के BSA जिनका मोबाइल नंबर है 9453004199 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार, संत रविदास नगर, भदोही से, इंडिया नेट के लिए।